मुझे लगता है कि आज के ज़माने में हर किसी की अपनी एक अपना एक ग्रुप होता है, चाहे दोस्ती का ग्रुप हो चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, और मैं उसको ग्रुप नहीं मैं गैंग मानता हूँ, क्योंकि सारे ग्रुप जो होते हैं वो नॉटी ग्रुप होते हैं। तो ये फिल्म जो है वो आज के ज़माने के हिसाब से और आज के दोस्ती यारी के और सोशल मीडिया के ज़माने के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। नॉटी गैंग हर बंदा देखना चाहेगा, जिसका अपना गैंग है वो पूरे गैंग को लेके जाएगा और अपनी नॉटी गैंग को फिल्म नॉटी गैंग दिखाएगा। नॉटी गैंग वो होती है जो गैंग हार्ड ड्रिंक लेता है, चाय नहीं पीता है, सिर्फ हार्ड ड्रिंक लेता है, इसलिए कहते हैं उसे नो टी गैंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेलर देख के पता चल गया कि हम लोगों की मेहनत थोड़ी सक्सेस हुई है, एंड मूवी मिलने की बात है जहाँ तक वही जो प्रोसेस होता है मुझे पता चला था कैसे फिल्म हो रही है, सर से कांटेक्ट हुआ था, एंड कांटेक्ट करते करते ही सिलेक्शन हुआ, दो तीन राउंड्स हुए थे और उसके अकॉर्डिंग फिर सिलेक्शन हुआ, और सर को लगा कि शायद मैं इस कैरेक्टर में फिट हूँ। और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है बिकॉज हर एक एक्टर चाहता है डबल रोल एक किसी भी मूवी में करना, सो मेरा एक ड्रीम था, सो आज फाइनली पूरा हो चुका है, जिसमें मैं सीता गीता काइंड ऑफ कैरेक्टर कर रही हूँ। इट्स डिफरेंट, नॉट काइंड ऑफ सीता गीता, बट वैसा सा है, और सुपर एक्साइटमेंट है उसको लेकर। हम सबको, मुझे नहीं, हम सबको ही बहुत खुशी है, और मेरा रोल पॉजिटिव भी है एंड नेगेटिव भी है, एंड आई एम लाइक अ लेडी डॉन इन द मूवी, सो मैं इन सबको रूल करती हूँ मूवी में, सो या दैट्स माई कैरेक्टर। नहीं एक्चुअली शूट्स में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं, बट जहाँ जहाँ हम लोगों ने शूट किया है गोवा मुंबई गांव में, तो वहाँ के लोगों ने हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे से हमें शूट करने दिया है, काम करने दिया है, और विदाउट ऑडियंस विदाउट पब्लिक तो हम वैसे ही कुछ नहीं है, और काफ़ी एक्साइटमेंट था काम करते वक्त भी, तो जो मुश्किलें थी वो हमने नेगलेक्ट करके हम काम करते रहे। जी मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और जैसा मैंने सोचा था कि जो मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी उसके अकॉर्डिंग सभी आर्टिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया और बहुत मेहनत हम लोगों ने की, ये तो एक बहुत अच्छी फिल्म बन के आई है। नीट एंड क्लीन कॉमेडी है, इसमें कहीं कोई वल्गैरिटी नहीं है, और यूथ के लिए एक मैसेज भी है कि आप शॉर्टकट से आपको सब कुछ नहीं मिल सकता है। ड्रीम होता है कि हम शॉर्टकट से बहुत बड़ा पैसा भी कमा सकते हैं, नाम भी कमा सकते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एंड में जाके आपको रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ नहीं, मेरे रिलेशंस भी मेरे हाथ से निकल गए हैं, मेरे हाथ में आज कुछ नहीं है, ठीक है मैंने पैसा अर्न कर लिया है। तो वो एक सोशल मैसेज है कि वो कॉमिक, आपको मालूम है कि कॉमिक के अगर माध्यम से हम कहते हैं तो बहुत जल्दी लोग कैच करते हैं, तो ये क्लियर मैसेज है इसमें कि आप अपनी मेहनत से जो भी करें उसको पूरा कॉमेडी में किया है हमने, और सभी करेक्टर्स ने बहुत अच्छा किया है। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा रितु जैन के बारे में, प्रोड्यूसर जो हैं ये अभी आपके सामने हैं लेकिन ये देख नहीं पाती हैं, और ये बहुत मेडिकल फील्ड में थी। अब बताओ रितु अपने बारे में थोड़ा सा, ये बताओ। माई सेल्फ रितु, आई जस्ट बिलोंग फ्रॉम दिल्ली, और मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैंने BMS किया है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक इन मेडिकल साइंस, बट ड्यूरिंग स्टडी टाइम जो है मुझे प्रॉब्लम हो गई रेटिना पिगमेंटोसा, और जैसे जैसे वो कंप्लीट हुआ उसके बाद सडनली मतलब मुझे पता चला कि आई कांट सी, तो एकदम से तो मैं डिप्रेस्ड हो गई, क्योंकि मेरी लाइफ के बहुत सारे गोल्स थे जो मुझे अचीव करने थे, बट उस टाइम तो ऐसा लगा जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई। बट उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, लाइफ में स्टैंड करना है, इंडिपेंडेंट बनना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही बहुत दिन तक सोचती रही, कुछ टाइम की लगा क्या करूँ, फिर उसके बाद दिमाग में आया कि नहीं सिंगिंग करनी चाहिए, जो मेरा बचपन का शौक था जो स्टडीज़ की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह गया था, तो गॉड भी शायद चाहते थे कि मैं वो प्रोफेशन दोबारा से एक्सेप्ट करूं और उसमें कुछ करूं, तो सिंगिंग, फिर उसके बाद मुझे लगा फिर एक मूवी के रिगार्डिंग मैं सोच रही थी ऐसे ही, तो तभी उस बीच में अंकल ने मुझे मोटिवेट किया, बात हुई इनसे, तो इन्होंने बताया, तो तभी नॉटी गैंग की